प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं मानसागरी फलित महाग्रंथ के अनुसार लगन और राशि अनुसार जातकों के गुणों के बारे में कि 12 राशियों के 12 गुण विशेष कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनके अंदर पाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे कि कौन सी राशि में क्या गुण है, कौन सी खास बातें हैं। तो चलिए आप इस वीडियो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम मेष से शुरू करते हैं। ऐसा जातक गौर, मानी, धनी, सुंदर, क्रोधी, भाइयों का नाश करने वाला, पराक्रमी और प्राय का प्यारा होता है। ऐसा जातक चंचल नेत्रों वाला, प्राय रोगी, धर्म दान दोनों का मूल्यांकन करने वाला, भारी जंगाओं वाला, कर्तव्य पाप रहित, राजाओं को मानने, कामनियों का आनंदित करने वाला, दानी, जल से भयभीत रहने वाला और कठोर कार्य करने वाला, परंतु अंत में विनम्र होता है। ये मेष राशि के जातकों की खास बातें या खूबियां होती हैं। वृषभ लगन की बात करें तो ऐसा जातक गुरु का भक्त, प्रिय बोलने वाला, गुणी, करती, धनी, लोभी, वीर और सबके लिए प्यारा होता है। वृषभ राशि के जातक भोगी, दानी, पवित्र, कुशल, सतव संपन्न, महाबली, धनवान, भोग विरासत, तेजस्वी और अच्छे मित्रों वाला होता है। मतलब इनके मित्रों का जो मतलब ग्रुप या कहें या सर्किल, तो वो बहुत बड़ा होता है, समूह है, बहुत बड़ा रखते हैं ये जातक। अगली राशि मिथुन है। ऐसा जातक अभिमानी, भाइयों का प्यारा, दानी, भोगी, धनी, कामी, धीरे काम करने वाला और शत्रुओं को मारने वाला होता है। ऐसा जातक मृदुभाषी, चंचल, दृष्टि, दयालु, कामुक, कंठ रोगी, यशस्वी, धनी, गुणवान, गौरवपूर्ण, गौरवर्ण एवं लंबे शरीर वाला, कार्यकुशल, अच्छा वक्ता, बुद्धिमान, दृढ़ संकल्प, सभी प्रकार से समर्थ और न्यायप्रिय होता है। मिथुन राशि की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। न्यायप्रिय होने के साथ साथ हर प्रकार से समर्थ होते हैं। कर्क लगन वालों की बात करें तो जातक कार्य करने वाला, धनवान, सूर, धार्मिक, गुरु का प्रिय, सिर से रोगी, अति बुद्धिमान, दुर्बल शरीर वाला, सभी कार्यों का ज्ञाता, प्रवासी, भयंकर क्रोधी, निर्बल, दुखी, अच्छे मित्रों वाला, ग्रह में अरुचि रखने वाला तथा कुटिल होता है। कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, कुछ मतलब इनकी अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। सिंह की बात करें तो ऐसा जातक भोगी, शत्रुओं को मारने वाला, छोटे पेट वाला, थोड़ी संतान वाला, उत्साह करने वाला, रण में पराक्रम करने वाला होता है। सिंह राशि के जातक समाजशील, कार्य में समर्थ, मदमाश में सदैव आसक्त, देश में भ्रमण करने वाला, चीत से भयभीत, अच्छे मित्रों वाला, विनयशील, शीघ्र क्रोध होने वाला, माता पिता का प्रिय, व्यसनी, नशा आदि बुरे कार्यों का व्यस्त तथा संसार में प्रख्यात और ज्ञानी होता है। कन्या की बात करें तो ऐसा जातक अनेक शास्त्रों में निपुण, सौभाग्य गुणों से युक्त, सुंदर, सूरत प्रिय होता है। कन्या राशि का जातक विलासी, सज्जनों को आनंदित करने वाला, सुंदर, द्रम्य, परिपूर्ण, दानी, निपुण, कवि, वर्द, वैदिक मार्ग का अनुगामी, सभी लोगों का प्रिय, नाटक, नृत्य, गीत की धुन में आसक्त, प्रवासी एवं स्त्री से दुखी होता है। कुछ इस तरह की परेशानियां भी ये देखते हैं। तुला की बात करें तो ऐसा जातक सुंदर, बुद्धि वाला, अच्छे कर्मों से जीविका करने वाला, विद्वान, सब कलाओं को जानने वाला, धनवान और जनों में पूजित होता है। मतलब सुंदर होता है, अच्छे कर्म वाला होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, सभी कलाओं में निपुण होता है। तुला राशि का जातक धनवान भी कह सकते हैं और जनों में पूजित मतलब लोग में प्रचलित होता है, हर तरफ से मुश्किलों का सामना करने वाला। वृश्चिक की बात करें, सौर्यवान, महावीर, धनवान, पंडित, कुल में प्रधान, सबका पालन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था से ही प्रदेश में रहने वाला, कूर स्वभाव, सूर, पीले नेत्रों वाला, पर स्त्री में आसक्त, अभिमानी, अपने भाई बंधुओं के प्रति निर्दयी, अपने सास में धन प्राप्त करने वाला, अपनी माता के प्रति दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्धरता, चोरी की कला का अभ्यास करने वाला,
होता है, हर तरफ से हर संकट को संभालने वाला होता है। धनु की बात करें तो ऐसा जातक सूर सत्य बुद्धि से युक्त सात्विक मनुष्य के हृदय को आनंदित करने वाला शिल्प मूर्ति कला विज्ञान से संपन्न धन से युक्त सुंदर स्त्री वाला अभिमानी चरित्रवान सुंदर शब्दों को बोलने वाला तेजस्वी मोटे शरीर वाला तथा कुल का नाश होता है मकर लगन के। मकर लगन और इनकी कुछ विशेषताएं मिलती जुलती हैं। वह मोटे शरीर वाला और कुल नाशक होता है, सुंदर शब्दों वाला तेजस्वी इसे हम कह सकते हैं। मकर की बात करें तो ऐसा जातक नीच कर्म करने वाला बहु संतान वाला लोभी नष्ट आलसी और अपने काम में उद्यम करने वाला होता है, मतलब हर तरफ से संभालने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने कुल में सबसे हीन अवस्था वाला स्त्रियों से वशीभूत विद्वान परनिंदक संगीतज्ञ सुंदर स्त्रियों का प्रिय पात्र पुत्रों से युक्त माता पिता का प्रिय धनी त्यागी अच्छे नौकरों वाला दयालु बहुत भाइयों वाला तथा सुख के लिए अधिक चिंतन करने वाला होता है, हर तरफ से संपन्न होता है संभालने वाला होता है। कुंभ की बात करें तो ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला बहुत मित्रों वाला सदा प्राय स्त्री में रत कोमल अंगों वाला और महासुखी होता है। कुंभ राशि का जातक ऐसा मनुष्य दानी आलसी कर्तव्य हाथी घोड़ा धन का स्वामी शुभ दृष्टि और सदैव कोमल स्वभाव वाला धन और विद्या हेतु पुत्र से युक्त सशस्त्र यशस्वी अपने शक्ति से धन का उपभोग करने वाला निर्भीक होता है, हर तरफ से मंगल ही मंगल है कुंभ राशि के जातकों के लिए। जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। अंतिम राशि मीन है। ऐसा मनुष्य रत्न और सोने से पूरित थोड़ी कामना वाला बहुत दुर्बल बहुत देर तक चिंतन करने वाला। मीन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति गंभीर चेष्टा करने वाला शक्तिशाली बोलने में चतुर मनुष्य में श्रेष्ठ क्रोधी कृपण ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ गुणों से युक्त कुल में प्रिय नित्य सेवा भाव रखने वाला शीघ्रगामी नृत्य गीतादि में कुशल शुभ दर्शन वाला भाई बंधुओं का प्रेमी होता है। ये मीन की खास बातें हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी है, जैसे विवाह को लेकर व्यापार को लेकर नौकरी में तरक्की को लेकर भाग्य उदय को लेकर ग्रह क्लेश से मुक्ति कुंडली विश्लेषण किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।